जल्द वो एक तलाकशुदा कहलाएगी। तलाकशुदा। इस मामले को बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है जब तक सिद्धार्थ और अवंतिका का तलाक ना हो जाए। उसे हमारे हिसाब से रहना होगा। अगर उसे मंजूर है तो ठीक है, और दूसरा रास्ता तो यही रह जाता है, और वो है तलाक। शादी टूटने की एडवांस पार्टी के तौर पर मैं आपको दूसरी बार दवाई खिलाने से पहले चाहे बिस्किट तो खिला दूं। लीजिए आंटी, चाय बिस्किट लाइए। बेटा, तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैं आपकी बेटी से प्यार कर रहा हूं। लीजिए आंटी। अब बिस्किट खाइए ना। दिमाग से फिलहाल अवंतिका को लेकर जो भी परेशानी है प्लीज उसे निकाल दीजिए। बेटा, ये मेरी बेटी अवंतिका की जिंदगी का सवाल है। मुझे जो सदमा लगा है मैं ही समझ सकती हूँ। तलाक कोई मामूली बात नहीं होती। एक बार किसी लड़की का तलाक हो जाता है ना, फिर उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। बेटा आंटी, और कुछ नहीं, सिर्फ सोच का फर्क है। और अब तलाक से इतनी परेशान हो रही है। आंटी, मेरे हिसाब से आपको तलाक से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपकी बेटी कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, वो पढ़ी लिखी, काबिल है और एक अच्छी कंपनी में बड़े पोस्ट पे काम करती है। हाँ बेटा, लेकिन इससे गृहस्थी का महत्व तो कम नहीं हो जाता। तलाक के नाम से वो लोग परेशान होते हैं जिनकी बेटी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, तो सिर्फ लड़के वालों के मोहताज है। पर आपकी बेटी ऐसी नहीं है, और लोग बेटियों को काबिल इसीलिए तो बनाते हैं ताकि जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर ससुराल वाले साथ छोड़ दे तो वो अपने पैर पे खड़ी हो सके, अपनी जिंदगी खुद चला सके। और आपकी बेटी इतनी काबिल है कि न जाने कितने लोगों का बोझ वो अकेले उठा सकती है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। आंटी, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही अवंतिका के ससुराल वालों के सामने सर झुकाना चाहिए। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपकी बेटी इतनी काबिल है कि उसका हाथ थामने के लिए कोई भी राजी हो जाए। तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन ये बात तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। आपने तो देख ही लिया है ना कि अवंतिका के ससुराल वाले कितने खुदगर्ज हैं। क्या आप ये सोचती हैं कि ऐसे खुदगर्ज लोगों के साथ अवंतिका खुशहाल रह पाएगी? डीप। लीजिए ना और बिस्किट। बस और इससे अंदर। कितना अच्छा लगता है, भगवान ऐसा बेटा सबको। अवंतिका के डिवोर्स का मुद्दा खड़ा हुआ, ये ऊपर वाले की मर्जी। ये भी ऊपर वाले की मर्जी है कि मैं देवयानी का भाई, मैं अवंतिका के नज़दीक जा पाया क्योंकि देवयानी मेरी बहन है। ऊपर वाला ऐसी बहन सबको। थैंक यू वेरी मच देवयानी। उन लोगों ने इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इस वक्त तलाक की बात, कैसे लोग हैं वो? तो अच्छे थे, आज पता नहीं उनको क्या हो गया। तुमसे इस बारे में किसी ने कोई बात की? नहीं, मुझे मेघा ने बताया कि घर में तलाक की चर्चा चल रही है। अगर तुम्हारे सामने बात आए तो हरगिज मत मानो। मैं एक वकील हूं और मैं देखती हूँ कि तुम्हें तलाक देने में कैसे कामयाब होते हैं। पूरी जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन तलाक के लिए इंतजार ही करते रह जाएंगे। ऐसे ही लोग होते हैं जो दूसरों की जिंदगी तबाह करने की कोशिश में अपना घर तबाह कर लेते हैं। अवंतिका, तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। आपकी जो माँ से बात हुई उस बारे में पता चला मुझे। तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाया था, इसलिए अब तुमसे बात करने आया हूँ। क्यों ये तूफान उठा रही हो अवंतिका? सिद्धार्थ, तूफान मैं नहीं मम्मी खड़े कर दी। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पापा किस हालत में हैं। मेरी माँ को कितनी परेशानी हो रही है। तुम्हें पता है, मम्मी ने माँ को फोन करके धमकी दी थी कि मुझे तलाक दे दिया जाएगा। उसकी वजह भी तुम ही हो अवंतिका। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम्हारी वजह से मॉम और डैड को कितनी ठेस पहुंची, कितना दुख हुआ है उन्हें। मैं मम्मी और पापा को कभी कोई ठेस या दुख नहीं पहुंचाना चाहती हूँ सिद्धार्थ। अगर मेरी कोई गलती है तो वो ये कि मैंने मम्मी से चाबी ली और वो गहने बेच दी कि मैं पापा को बचाना चाहती थी। और अब इस शादी को बचाना जरूरी है। मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि तुमने क्या फैसला लिया। मेरा फैसला? क्या मतलब है तुम्हारी बातों का? मेरा मतलब है कि अब तुम्हें दो में से एक राह चुननी पड़ेगी। या तो मॉम और डैड की हर बात माननी पड़ेगी, ससुराल का बन के रहना पड़ेगा, तो दूसरा रास्ता तुम खुद जानती हो। बड़े अफसोस की बात है सिद्धार्थ, ऐसे हालात में मिलने भी आए तो अफसोस जताने नहीं बल्कि एक शर्त रखने। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब अभी नहीं दे सकती क्योंकि अभी मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, पापा की देखभाल करना और उनकी जान बचाना। बाकी किसी चीज के बारे में मैं नहीं सोच सकती सिद्धार्थ। शायद ये कहकर तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया अवंतिका। अपने एक रिश्ते को बचाने की कोशिश में तुमने अपने हाथों से हमारे रिश्ते का गला घोट दिया और मरे हुए रिश्ते का बोझ ज़्यादा देर तक उठाया नहीं जा सकता। नमस्ते मौसी जी। खुश रहो। कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ मौसी। पता है अब तो मुझे हर पल आपके ही फोन का इंतजार रहता है। बिंदिया, मैंने यहाँ पूरा मामला सेट कर दिया है। अवंतिका का इस घर से बाहर जाने का और तुम्हारा इस घर में आने का भी। हाँ मौसी, मेरे बाबूजी से भी बात हुई और उन्होंने भी कहा आप मेरे लिए जो भी करेंगी अच्छा ही करेंगी। बिंदिया, तुम यहाँ आने के लिए तैयार तो हो ना? हाँ मौसी, बस आपके एक इशारे की देर है। तो बस कल ही आ जाओ। और हाँ, तुम्हें यहाँ आकर सिर्फ घर ही नहीं सिद्धार्थ का दिल भी जीतना है। सिद्धार्थ को मुट्ठी में लेना बहुत जरूरी है क्योंकि वही एक है इस घर में जिसका झुकाव आज भी अवंतिका की तरफ। बाकी सबके दिल में तो नफरत हमने भर दी है। वैसे मौसी, अवंतिका है कहाँ अभी? आती जाती रहती है, लेकिन अब उसका आना जाना भी मुझे बंद कराना है। बस कैंची लेकर बैठी हूँ कि कब मौका मिले और इस रिश्ते को पूरी तरह काट दूँ। वैसे मौसी, आपने पिछली बार भी कोशिश की थी। आपकी कोशिशों के बावजूद भी मैं उस घर में नहीं आ पाई। लेकिन इस बार सारा मामला हमारी मुट्ठी में है और मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा है। बिंदी, देर से ही सही, लेकिन देख मेरी कोशिशें रंग ला रही हैं। बहुत जल्द तुम इस घर की बहुरानी कहलाओगी। हाँ हाँ, तुम सबको याद करते हो और यहाँ भी तुम्हें कोई नहीं भूला। अंजलि भी मेरे सामने ही खड़ी है, वो भी तुम्हें बहुत याद करती है। ओह, इसका मतलब अंजलि भी वहीं पे है। मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है मौसी, फोन रखती हूँ। नमस्ते। देखा अंजलि, बिंदिया सबको कितना मानती है। बिंदिया जब भी फोन करती है तुम्हारे बारे में जरूर पूछती है। हमेशा पूछती है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम कैसी हो। हाँ मामी, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पिछली बार भी आई थी तो सबसे घुल मिल गई थी, पर शायद उसके तकदीर में इस घर की बहू बनना लिखा नहीं था। शायद ये सब कुछ होना था जो हो रहा है। वो कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा। और वैसे भी बहू रानी के लक्षण भी तो सबके सामने आ गए है ना। अच्छा मामी मैं चलती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी। हाँ बेटा जा। इस घर के लोग जागे या ना जागे, बिंदिया की जिंदगी में सवेरा तो जरूर हो, बस ये रात गुजर जाए। अब डर इस बात का है कि बहू को कंट्रोल करने के चक्कर में बेटा कहीं हाथ से ना निकल जाए। अगर आपको बेटे को अपने बस में करके रखना है, अपने साथ रखना है, तो उसके लिए कोई और उपाय खोजना पड़ेगा। ये सिद्धार्थ अवंतिका से मिलने गया था, अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे क्या लगता है जीजा जी, सिद्धार्थ अपने ससुर की देखभाल और सेवा में लग गया है। इसमें हैरानी की क्या बात है? अवंतिका उसकी पत्नी है और उसको प्यार करता है। अवंतिका ने रोक लिया होगा तो क्या कर सकता है बेचारा। उसको भी लगा होगा चलो भाई रुक गया हूँ तो थोड़ी देखभाल कर लूँ ससुर की। अब इसके लिए सिद्धार्थ को दोषी थोड़ी ना ठहराया जा सकता। वो तो बेचारा मासूम अवंतिका से प्यार करता है। अब अवंतिका ने उसे रोक लिया होगा तो सिद्धार्थ बेचारा कर भी क्या सकता है। और आप तो जानते हैं जीजा जी, आंसुओं के आगे तो अच्छे अच्छों को झुकना पड़ता है। सिद्धार्थ तुम कहाँ रह गए थे? भांजे तुम तो अवंतिका से उसका फैसला पूछने गए थे, उसे ये समझाने गए थे कि उसको ससुराल वालों के साथ चलना होगा, और खुद ही वहां रह गए। मामा जी मैं कहीं और से आ रहा हूँ। ये जानना चाहता हूँ कि अवंतिका ने क्या कहा? क्या वो हमारी बात मानने को तैयार है? कोई भी फैसला लेने के पहले डैड वक्त और हालात देखते नहीं चाहिए। अवंतिका के पापा हॉस्पिटल, और ऐसी हालत में वो क्या फैसला ले? देखिए जीजा जी, मामला वही है जो मैं कह रहा था। अब डर इस बात का है कि बहू को कंट्रोल करने के चक्कर में बेटा कहीं हाथ से ना निकल जाए। अगर आपको बेटे को अपने बस में करके रखना है, अपने साथ रखना है, तो उसके लिए कोई और उपाय खोजना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़की तो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। इसका नाम है अवंतिका। प्रतिमा देवयानी बता रही थी कि माँ की तबीयत भी खराब हो गई है। राकेश है वहाँ पर उनकी देखभाल करने के लिए, लेकिन दीदी मैं कह रही हूँ कि आप जाकर माँ को देख लीजिए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। और उसके बाद वहाँ से जीजू के घर चली जाएगा, वो लोग भी आपका इंतजार कर रहे होंगे। प्रतिमा क्या क्या देखूँ, कहाँ कहाँ देखूँ मैं? ऐसे में तो इंसान बिखर कर रह जाता है। सिर्फ पापा की ऐसी हालत है, अब माँ की भी तबीयत खराब हो गई, आज मैं ऑफिस भी नहीं जा पाई, घर गई हूँ। ऐसे वक्त में तो अपनों का साथ चाहिए होता है, और जिन्हें मैं अपना समझती थी तो मेरे साथ है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ दीदी कि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। हेलो सर, क्या बात है अवंतिका, आज सब लोग ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं और तुम ऑफिस नहीं आई? I'm sorry sir, लेकिन आपको तो पता है मेरे पापा की हालत थोड़ी क्रिटिकल है, ऐसे में। हाँ, लेकिन ऑफिस की जिम्मेदारियाँ तो निभानी पड़ेगी। जी सर। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे सिवा ये जिम्मेदारियाँ कोई निभा नहीं सकता। जी सर, मैं समझती हूँ। हाँ, लेकिन ऑफिस में सब लोग खाली बैठे हुए हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई नहीं है। तुम तो जानती हो सारे त्योहार आ रहे हैं और त्योहार की सारी तैयारियां भी करनी। मुझे मालूम है सर। जो जरूरी है वो जरूरी है। हमारी वजह से कंपनी का नुकसान भी तो नहीं होना चाहिए, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मुझे इस बात का ख्याल रहेगा सर। आप तो जानते हैं मैंने अब तक सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाई है, कभी भी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। इसीलिए तो आपको फोन किया है। और अवंतिका ने अपनी उड़ान भर ली, अब उसके पैर इस घर में नहीं ठहर सकते। हाँ, कल तुम ऑफिस आ जाओ और फिर सारी बात करते हैं। ओके? जी सर, थैंक यू सो मच। बाय। क्या बात है दीदी, कल ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है। खैर, मैं निकलती हूँ, डॉक्टर ने कुछ कहा तो कॉल करना। हाँ, ठीक है दीदी। आपके ससुराल वाले आपकी भावनाओं को समझ पाते दीदी। हे भगवान, बस अब यही देखना बाकी था। दीदी, ये उम्र आपकी आराम करने की है और आप एक घर का सारा काम लेकर बैठ गई। दीदी, आप आराम कीजिए, मैं और मेघा है ना, मैं और मेघा घर का सारा काम कर लेंगे। चाहिए आप आराम कीजिए। नहीं नहीं केतकी, बहू के आने के पहले तो सब कुछ मैं संभालती थी ना, अब ये घर मेरा है, संभालना तो मुझे ही पड़ेगा ना। दीदी, ये सोचकर ही कितना गुस्सा आता है कि बहू के होते हुए घर में सारा काम आपको करना पड़ता है। दीदी, पूरी उम्र आपने घर वालों के लिए खाना बनाया, अब आपको आराम करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर किसी की बहू ही ऐसी हो तो कोई कर भी क्या सकता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो केतकी। अब तो ऐसा लग रहा है कि ऐसी बहू लाकर मैंने गलती की। दीदी, कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जिसे हम ज्यादा दिन तक पिंजरे में बंद नहीं कर सकते। और अवंतिका ने अपनी उड़ान भर ली, अब उसके पैर इस घर में नहीं ठहर सकते। ये प्रेजेंटेशन कामयाब करना ही होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना चाहिए। अगर ये प्रेजेंटेशन कामयाब नहीं हुआ तो शायद मैं तुम्हारी नौकरी नहीं बचा सकूं। दीदी को अगर समझाना तो बस इतना समझाना कि अगर उन्होंने जरा भी अवंतिका से हमदर्दी दिखाई तो वो सिद्धार्थ को भी उनसे छीन लेगी। इससे बेहतर है कि सिद्धार्थ की जिंदगी से अवंतिका को निकालकर बाहर फेंक दिया।